वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या, और ये क्लास 10th के लिए इसलिए बेसिक चीज़ें देखेंगे कि तीन हम लोग का मेन तीन ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे चलते हैं, उसको देखेंगे कैसे डिराइव होता है उसको भी देखेंगे, और फाइनली उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन का लिमिट नहीं है, और आप NCERT से ही वैसे रहता है, पर आप NCERT ही तक लिमिटेड ना रहें। आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा या दूसरे रेफरेंस बुक है वहाँ से आप जरूर आइडेंटिटी सॉल्व करें, जैसे कि आपका ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। मैं दो चीज़ बोला हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन और एक इसका क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये दो ऐसा है खास के जिसको आपको दूसरे बुक से, रेफरेंस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ये दोनों से अक्सर बच्चे को डर लगता है, क्योंकि इस दोनों से हल्का सा ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हल्का सा टफ दिया जाता है क्वेश्चन। टफ करने का मतलब कि जो रेगुलर नहीं आते रहे उस तरह का, खैर बहुत रिपीट भी होता है। चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी से, पहले आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब समझेंगे। तो देखिए, अगर मैं बोलूं आपके पास a प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जी हाँ, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग रिराइव भी करते थे, ठीक है। तो क्या मैं a और b के जगह कुछ भी रख दूं तो ये फॉर्मूला लागू होगा? कुछ भी खाने का मतलब कुछ ही, मतलब यहाँ 1 रख देता हूँ यहाँ 2 तो क्या ये लागू रहेगा? हाँ। यहाँ -1 रख देता हूँ यहाँ 2 लागू होगा? हाँ होगा। कोई भी आप ले लीजिए इस यहाँ पे, इस दोनों पे, ठीक है, ये जो दोनों आपको वेरिएबल लग रहा है वैसे कॉन्स्टेंट है, तो इस दोनों वेरिएबल के एक्स वाई ले लीजिए कुछ भी, तो उस कंडीशन में ये जो एक इक्वेशन दिख रहा है ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होने वाला है। इक्वेशन ये ना, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल का साइन है। ओके, आपको इक्वेशन का मतलब भी नहीं पता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे ही चीज को, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है? सिंपल सा होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी सॉल्व करने वाले हैं तो इसका भी बहुत जरूरत होगा। तो जैसे ये सब है, ये सब कैसे है? ये सब ट्रू है, यानी ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले आप इसको जिसको फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, ये इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है, एक इक्वेशन है जो किसके लिए सही है? किसी भी के लिए, ठीक है, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, जो ट्रू है, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू या फॉर एवरी वैल्यू, ऑल या एवरी वैल्यू के लिए जो ट्रू हो इक्वेशन, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या मतलब है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के में आपको यहाँ ए और बी नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पाएंगे, मतलब साइन को पाएंगे, कॉस को पाएंगे, टेन को पाएंगे, कॉट को, सेक से इसको पाएंगे, बस इतना सा अंतर है। तो आइडेंटिटी वैसा एक इक्वेशन है जो सभी वेरिएबल के लिए ट्रू होगा, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, ये वेरिएबल, ओके, वैल्यू या वेरिएबल बोल सकते हैं, सभी के लिए सही होगा, ओके। अब ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन इक्वल इक्वेटेड टू जीरो, एक्सप्रेशन में अगर इक्वल लगा दे तो होता है जीरो। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स होता है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला हुआ। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है रियल में। तो यहाँ से आप चलिए कांस्टेंट और वेरिएबल से, कांस्टेंट जानते हैं 1, 2, 3, 4, जिसका फिक्स वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में, उसको कांस्टेंट बोलते हैं, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, और वेरिएबल जिसका वैल्यू बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई सब, कांस्टेंट वेरिएबल मिल जाता है तो बनता है ये टर्म, ठीक है, क्या बना? टर्म। और यही टर्म जब मिलता है, जैसे एक्स वाई प्लस फोर, ठीक है, 4x, तो ये दोनों क्या बन गया? एक्सप्रेशन। और इसी एक्सप्रेशन में जब एक्स वाई प्लस 4x इक्वल टू जीरो कर दिए तो ये हो गया इक्वेशन, ठीक है, जैसे यहाँ इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ गया इक्वेशन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी टी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, टी आइडेंटिटी आर इक्वेशन, ठीक है, टी आइडेंटिटी आर इक्वेशन, या सिंपली बोल सकते हैं द इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे मैं इसके साथ ले रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशन, इक्वेशन होते हैं किसके इन्वॉल्व करते हुए? ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, इक्वेशंस है किसके? टी रेशियो के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टी रेशियो, जो इन्वॉल्व करते हैं अपने में शामिल रखते हैं किसको? टी रेशियो, या सीधा बोल सकते हैं ऑफ टी रेशियो, ठीक है। और टी रेशियो निकलता किसका है? किसी एंगल का, तो ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आर इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, जो ट्रू है, जो सही है किसी भी वैल्यू के लिए, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की बात हो रही है ना, विच इज ट्रू फॉर ऑल या एनी बोल सकते हैं, एनी वैल्यू ऑफ एन एंगल, कोई भी वैल्यू के लिए सही होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। हम लोग के पास जो है, हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी
फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़े हुए हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1/cosec थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं कि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, ये इसका एक और तरीका है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या होगा 1। इसी चीज़ को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से मैंने सबको बताया था, जैसे cos थीटा है, cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा। आप अगेन इसको लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये सब आप फर्स्ट लेक्चर से, मुझे उम्मीद है ये सब आप समझ के आए हुए हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय ये cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और ये होता है हाइपोटेन्यूस और बेस, तो एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, या sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। ये सब कोई वाड़ी वाला चीज़ है नहीं। इसी तरह से tan का भी बना सकते हैं कि tan थीटा जो होता है किसका भाई है 1/cot थीटा का। ठीक है, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को रिप्लेस कर ले तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पढ़े थे कि tan थीटा जो होता है वो रियली में आता कहाँ से है, वो आता है sin थीटा और cos थीटा के डिवीजन से। इससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बहुत सारा मदद मिल जाता है। और इसी तरह से cot थीटा जो होता है वो क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, उम्मीद है आप ये सब फर्स्ट सेकंड लेक्चर में समझ गए। अभी हमारे पास क्या है, अब हम लोग सिंपल एक रिजल्ट निकालने वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक अभी तो हम लोग पढ़े हैं वो किसी एक्यूट एंगल के लिए पढ़े हैं, और वो राइट ट्रायंगल में पढ़े हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए बी और सी, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो हमारे पास अगर ए बी सी राइट ट्रायंगल है, और हम एंगल सी को अगर थीटा मान के चल रहे हैं, थीटा सिंपली मीन्स एंगल, जैसे एक्स होता है वैसे थीटा, तो इस कंडीशन में इसका जो सामने वाला साइड है वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस, और ये जो है वो बेस कहलाता है। इसे आप फर्स्ट लेक्चर से ही देख चुके हैं, राइट ट्रायंगल में स्पेशल नाम रहता है उसी चीज़ को। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव, हम लोग एक दो चीज़ लिख रहे हैं कि वी हैव सी एंगल सी इक्वल टू थीटा, एंगल सी थीटा के बराबर है। ठीक है, बी सी इक्वल टू बेस के बराबर है, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर यानी पी के बराबर है, और ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस यानी एच के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एक सिंपल सा चीज़ लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम उम्मीद आपको पता ही होगा, ट्रायंगल में हम लोग इसका प्रूफ देखे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किससे बड़ा होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं आपको अगर एक काम बोलूँ कि आपको सभी को एच स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, सभी को, यानी इसको भी क्यों करें। ठीक है, इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, क्यों हम एच स्क्वायर से क्यों पी स्क्वायर से क्यों नहीं करें, पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर से भी कीजिएगा, पी स्क्वायर से क्यों बी स्क्वायर से नहीं करें, बी स्क्वायर से भी करके देख लेंगे क्या होता है। तो अभी हम लोग पहला क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इच टर्म, जितने टर्म है, ठीक है, इक्वेशन का बाय एच स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कितना हो गया 1। पी बाई एच, ये आपको याद आ रहा है क्या होता है, पी बाई एच तो होता है साइन, और उसका स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच का स्क्वायर। तो ये हो क्या गया, ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका पास पहला आइडेंटिटी आ गया। ओके, एक तो तरीका है ऐसे ही लाना कि राइट ट्रायंगल से, दूसरा तरीका है कि आप यही चीज़ दिखा दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। अब क्या कर लीजिए, अब आप लोग, और यहीं से आपको समझना भी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ कैसे होता है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा इसमें प्रूफ वाला होगा। ठीक है, तो इसमें आपको LHS और RHS कैसे भी इक्वल करना रहेगा, जैसे एक आइडेंटिटी है, जितना आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब एक तरह का आइडेंटिटी है। ठीक है, उसमें आपको LHS और RHS इक्वल करना होगा। ठीक है, कैसे भी, चाहे दोनों को सॉल्व करके या एक को ही सॉल्व करके। तो इसका एक तरीका ये हुआ ऐसे आने का। ठीक है, दूसरे तरीके की भी बात करेंगे, पर पहले वो काम कर लेते जो आप लोग सोच रहे होंगे कि बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो फिर से ये हमारा फर्स्ट अभी आया, हमारे पास यही इक्वेशन है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग इच टर्म बाय पी स्क्वायर, डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को किससे, इच टर्म बाय पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब एच बाय पी, आपको याद आ रहा है एच बाय पी क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, ये तो शायद कॉसेक होता है, जी हाँ ठीक है समझे आप, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा और उसका स्क्वायर है प्लस पी बाय पी, ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 प्लस पी बाय बी बाय पी, बी एस बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि कॉसेक
स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपके पास एक फंडामेंटल फार्मूला आ गया। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और मुझे यही कंफर्टेबल लगता है ये वाला नीचे वाला, क्योंकि इसमें अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकालेंगे उसमें सेक माइनस टेन रहेगा, तो मुझे याद रहता है सेक माइनस टेन कोट माइनस कोसेक माइनस कोट, इसमें भी सेक है इसलिए। चलिए फिर से हमारे पास वही है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास सेकेंड आ गया। चलिए निकालते हैं थर्ड वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को बाई बी स्क्वायर, डिवाइडिंग इच टर्म बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो ये क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आराम से आप देख रहे होंगे कि एच स्क्वायर बाई पी एच बाई बी किसका होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये तो होता है किसका, सेक का। जी हाँ, तो सेक थीटा और उसका स्क्वायर है तो सेक थीटा का स्क्वायर। पी बाई बी ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो टेन थीटा का होता है। जी हाँ, आप ठीक समझे, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का स्क्वायर। बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा कि वो था। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये आपके पास क्या हो गया, थर्ड आइडेंटिटी। बस तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, एक आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है एकदम फंडामेंटल। एक आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और एक इसी का भाई है सेक, इसमें से चुरा लीजिए सेक, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ टेन का भाई कौन है, कोट का भाई टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब मैं बोल रहा था आपका दूसरे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने का, ठीक है। एक और तरीका जैसे मैं आपको बोल रहा था, तो आप ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट ले लीजिए और इसी से बना लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको वन के इक्वल प्रूफ करना है, तो आप LHS सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैं रख दूंगा पी बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बेस बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर LCM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो ये आ गया वन जो कि RHS के इक्वल है। तो क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। उसी तरह से इस सब का लाने का बहुत आसान तरीका है, एक बार जब आपको ये आ जाता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे टर्म को अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें या सारे टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, फिर भी आपको दोनों फार्मूला आ जाएगा, जैसे ये सब और का कंडीशन, ठीक है, या इसी तरीका से भी डिवाइडिंग इच टर्म, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं, डिवाइडिंग इच टर्म बाय साइन थीटा। साइन थीटा से अगर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है और नीचे भी इसको किससे डिवाइड किया है, साइन स्क्वायर थीटा से, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन, कॉस बाय साइन होता क्या है कॉट, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सब एकदम बेसिक। तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये वन बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला आया, देखिए ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक है ये वाला। उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर हम डिवाइड कर दें डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस बाई कॉस ये हो गया वन, और वन बाई कॉस हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आंसर फॉर्मूला आ गया ये वाला, मतलब एक ही चीज़ को करने का बहुत सारा तरीका है, मैं आपको बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गए, ठीक है, मेन आपके लिए कौन है, मेन आपके लिए ये तीन है, ठीक है, और सब जो बेसिक था जैसे टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, कॉट इक्वल टू ये वही सब, तो इतना है। कहीं कहीं आपको जो सिंपल आइडेंटिटी है ये सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब ये सब भी काम आ सकते हैं। चलिए तीन चार क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। आपको मुझे उम्मीद है इस चैप्टर में बच्चे को डाउट रहता है, क्योंकि आप क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे तो लिमिट ही नहीं रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आपको जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट में से हमको मैसेज कर दीजिए, पिन कर लीजिए, ठीक है कि मुझे इसमें दिक्कत है, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन जल्द ही ठीक है लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि उसी टाइम में दे दूँ अगर उस कंडीशन में रहूँगा। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ NCERT के भी और कुछ इधर उधर के भी जो CBSE में बार बार आया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका CBSE 2009 का है, इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट, मैं दो यहाँ से ले रहा हूँ, तीन क्वेश्चन है इसमें, पहला है प्रूव दैट
फर्स्ट है 1 - sin² थीटा, बहुत ईजी, एक नंबर में क्वेश्चन में आया होगा जब आया होगा, इंटू sec² थीटा = 1। ठीक है, ये करना है। अगर आपको याद है क्या चीज़ कि sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, हाँ होता है, तो यहाँ से आप सिंपल चीज़ लगा सकते हैं कि हमको 1 - sin कैसे भी चाहिए, तो cos² थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा होगा ना, ये साइन इधर ले आए तो 1 - sin² थीटा किसी बार होता है cos² थीटा, और यहाँ क्या है sec, cos और sec रिलेटेड है, आपको थोड़ा थोड़ा माइंड तो यूज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने आपको, तो यहाँ भी 1 - sin² थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cos² थीटा। ठीक है, ठीक, यह एक और तरीका है, इस 1 के ही जगह आप क्या लिख दीजिए sin² थीटा + cos² थीटा, अपने आप साइन से साइन चल जाएगा तो बचेगा cos² थीटा इंटू sec² थीटा, sec² थीटा को क्या लिख देंगे 1 - cos² थीटा। ठीक है, तो अब देखिए cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 जो किसके बराबर है RHS के बराबर, तो हो गया प्रूफ्ड, हाँ हो गया, बस एक स्टेप का है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है तो लिख दिया, चूँकि sec θ = 1 - cos θ, तो देखिए इतना आसानी से, कितना सेकंड लगेगा, 10 से 20 सेकंड, उसी का सेकंड पार्ट भी है और थर्ड पार्ट भी है, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ इसका, या सेकंड ही मान लीजिए, तो यह 1 + tan² θ * 1 - sin θ और 1 + sin θ, यहाँ पे जो मैं बोला था आपको कहीं कहीं अलजेब्रा का आइडेंटिटी भी यूज हो जाएगा, इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है 1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1 + tan² θ, तो यहाँ आपको याद आ गया होगा वो आइडेंटिटी अभी जो की है वो होता है sec² θ। ठीक है, होता है ना कि sec² θ - tan² θ = 1, या sec² θ को ऐसे लिख सकते हैं 1 और ये इधर ले गया तो 1 + tan² θ, होता है ये फार्मूला अभी हम लोग डिराइव किए, हाँ होता है। तो उस हिसाब से अब ये 1 - sin और 1 + sin, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि a - b × a + b, बोला तो ये आइडेंटिटी है तो किसी के लिए सही है, तो a - b × a + b क्या फार्मूला होता है a² - b², तो यहाँ से क्या हो जाएगा (1)(1) यानी पहला टर्म a है इसका 1, तो a² यानी 1² मतलब 1 (-b²), यहाँ b कौन है साइन, तो sin²θ। यहाँ देखिए कितना ईजी है, ठीक है, दो फार्मूला आपका यूज हो गया। अब यहाँ से sec² θ को मैं ऐसे ही रहने दूँ, पहला इस टर्म में 1 - sin²θ क्या हो जाएगा, अभी 1 - sin²θ लिखे थे cos²θ। ठीक है, अब अगेन इसमें इसको मैं फिर से लिख देता हूँ cos²θ × cos²θ, कट के क्या आ गया 1 जो किसके बराबर है RHS के। ठीक है, तो हो गया प्रूफ्ड, मतलब देख रहे हैं इसमें दोनों आपका फॉर्मूला यूज हो गया। ठीक, तो इसी तरह से बहुत इजी आपको क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहीं देखिए 1 + cot²θ रहा था, यहाँ 1 - cos, यहाँ 1 + cos रहा था, तो उस कंडीशन में वहाँ पे 1 + cot²θ के जगह लिख दिया cosec, और 1 - cos 1 + cos, तो ये आता है 1 - cos²θ जो कि साइन के बराबर होता है, अब sin²θ × cosec²θ कितना हो जाता है 1, तो वैसे भी हो जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब एक ऐसा क्वेश्चन लिया, इस समय तो अभी तक क्या किए थे, इस समय अब अगर देखिए तो सिर्फ LHS सॉल्व करके उसको RHS के इक्वेट कर रहे थे, पर कभी कभी क्या होगा कि LHS RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, उस तरह का मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, और ये क्वेश्चन आपका CBSE में पूछा हुआ है 9 में भी 2009 में भी और 10 में भी। आपको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन था इस तरह से, प्रूफ दैट कि sin θ - cosec θ × cos θ - sec θ = 1 / tan θ + cot θ। मेन आपका दो ही तरह का आइडेंटिटी को प्रूफ करना रहेगा, पहला में LHS को सॉल्व कर लो, या दूसरा में LHS RHS दोनों को सॉल्व करके कैसे भी इक्वल कर दो, जैसे इसमें करने वाले हैं, एक आसान तरीका वही है। अब देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको कुछ ना दिखे लगे अरे यार फॉर्मूला तो यहाँ दिख नहीं रहा, sin - cosec है, cos - sec है, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, तो अब क्या करें, आपके पास एक थंब रूल रहेगा, एक अच्छा रूल रहेगा, क्या चीज़, कन्वर्ट ऑल टर्म इंटू sin cos, सारे टर्म को किसमें बदल दो साइन एंड कॉस में, जैसे यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा में क्या बदलेंगे, साइन ही थीटा रहेगा -cosec θ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - sin θ। ठीक है, लिख सकता हूँ, जी हाँ। उसी तरह से यहाँ cos थीटा है तो ये cos थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, cos और sin सबसे फंडामेंटल है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में भी देखेंगे कि sin निकल जाता है, सब निकल जाता है, तो उसी तरह से cos और sin सबसे फंडामेंटल है, sin cos से tan भी निकल जाता है, sin cos से cot भी निकल जाता है, sin का उल्टा cosec, फिर cos का उल्टा sec, सब निकल जाता है। उसी तरह से sec थीटा को यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 1 - cos θ, ये हमारा LHS है। अब अगर हम लोग क्या कर ले, अब हम लोग सिंपल से LCM ले लें, ठीक है, तो इस पर LCM अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin θ, ठीक, और तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 - sin θ × sin²θ हो जाएगा, sin θ × sin θ sin²θ, यहाँ क्या हो जाएगा -1, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे भी cos θ हम लोग क्या ले सकते हैं LCM, तो cos θ अगर LCM ले लेंगे तो यहाँ 1 है तो 1 - cos θ cos θ × cos θ cos²θ - 1। अब देखिए आप यहाँ पे सीधा नहीं आप ले लीजिएगा cos²θ, आप क्या दीजिए फॉर्मूला क्या था कि sin²θ + cos²θ
इक्वल टू वन था। यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे अगर आप समझना चाह रहे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अगर वन लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन जैसा ये कंडीशन है, तो इससे आप थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन चाहिए हमको, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर जाना पड़ेगा लेकिन माइनस में, ठीक है, लेकिन माइनस में यही चीज। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी में कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, गलत नहीं होगा, आगे भी दोनों माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, पर आपको टीचर यहाँ पे अगर ध्यान से देखेगा तो नंबर काटेगा, वो नंबर कटवाने का क्या गलती करना, क्यों जल्दी जल्दी क्यों करना, ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख देता हूँ मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन चाहिए हमको, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देख रहे हैं अभी तो हो ही जाएगा वो साइन इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको अच्छे से पता है ये साइन थीटा एक साइन थीटा एक साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, एक कॉस थीटा को, तो हमारे पास बचेगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये सबसे फंडामेंटल में आ गया, अब इससे ज़्यादा आप क्या तोड़ेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में तोड़ के आप क्या कीजिएगा, तो ये आपका एल एच एस यहाँ पर सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आर एच एस को सिंप्लीफाई करेंगे, आर एच एस में भी सिंप्लीफाई करने के लिए ना, आर एच एस है क्या वन बाई टेन थीटा, डरना नहीं है, बड़ा बड़ा स्टेप हो तो, स्टेप बड़ा होने से डरना नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल बनाए, फॉर्मूला रटना न पड़े, ये अच्छी बात है, आपको डरना नहीं है अरे ये तो एक पेज में बन गया आधा पेज में बन गया, ठीक है दो पेज लगे, कोई चिंता की बात नहीं, बस आपको ज़्यादा फॉर्मूला ना यूज करना पड़े इसका आपको ध्यान रखना है, कितना अच्छा रहेगा बिना फॉर्मूला का सब बनते जाएगा, तो ये चीज़ अच्छा है। चलिए आर एच एस को, तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा की जगह लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है रख सकता हूँ जी हाँ। अब देखिए अब सिंपल से काम हमको करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस दोनों टर्म को ओके। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा तो बच जाएगा, तो हाँ तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले रहे हैं सिंपल, यहाँ पे प्लस करें, उसी तरह से साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये तो है ही, कॉस थीटा हो जाता है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वन तो इक्वल टू वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो एल एच एस भी यही है, आर एच एस भी यही है, तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस इस तरह से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और वो किसके इक्वल है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए एक दो एन सी आर टी की तरफ भी एक बार नजर डाल देते हैं और देखते हैं कि एन सी आर टी में किस तरह का क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया, दो क्वेश्चन मेनली करवाया जिससे मैं आपको बताया कि किस तरह से आपको करना है। पहला तरीका है कि आप पहले से सॉल्व कर लीजिए और उस हिसाब से देखिए कुछ फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, तीन ही हमारे पास फॉर्मूला यूज़ करना है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका है कि आप एलएचएस आरएचएस को दोनों को सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाइए साइन कॉस में और देखिए बाद में इक्वेट हो जाएगा, ठीक है ये। अब चलिए एनसीईआरटी पे नज़र डाल लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या है। ओके एनसीईआरटी का 8.4 अगर एक्सरसाइज देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड टेन इन फॉर्म्स ऑफ कॉट ए, अगर ये आपको चाहिए ठीक है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो मिल जाएगा जिससे मैंने सभी को सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, साइन को सारे में, कॉस को सारे में, सब कुछ बदला जा सकता है, और इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में इंटरकन्वर्सन में बता दिया हुआ, तो आपको देखना है तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके चेक कीजिए आपको मिल जाएगा। दूसरा भी वही है इन टर्म ऑफ सेक लिखना है तो लीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा ना सिंपल, हाँ उस पर आ जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। सेकंड भी वही है ओके। अब फोर्थ एकदम फंडामेंटल है, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइनटीन स्क्वायर ए, नाइन कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है, बहुत फंडामेंटल है ये सब, ठीक है इस समय कोई दम है नहीं। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 8.4 एक्सरसाइज 8.4 है क्वेश्चन नंबर फोर का टू, फोर का वन सब नहीं लेगा, नाइन कॉमन लीजिएगा उसके बाद फॉर्मूला बेस्ट है। ये क्या बोल रहा है, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए इसको बनाने के लिए मेरे माइंड में बहुत सारा भी तरीका आ गया है, पर आपको क्या करना है ठीक है, तो आपको सबसे फंडामेंटल से काम करना है, आप डिफरेंट फार्मूला लगा सकते हैं ठीक है, पर आपको सबसे फंडामेंटल रूल फॉलो करना है यहाँ पे, क्योंकि आप अभी शुरुआत ही करें अगर एंटिटी तो आप एकदम फंडामेंटल रूल लगाएंगे। क्या फंडामेंटल रूल, सबको साइन और कॉस में बदल दो, जैसे यहाँ टेन है ना टेन को साइन कॉस में बदल दो, सेक है कॉस में बदल दो, तो इसी तरह से हमको करना है ठीक है। देख लेते हैं उसके बाद आराम से हो जाएगा। तो जैसे ये वन टेन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिख दूंगा वन बाई कॉस थीटा, सेक थीटा है ना हाँ तो वन बाई कॉस थीटा,
इंटू वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस में वन बाई साइन थीटा। अब कौन ऑप्शन और दिख रहा है, अब मुझे ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ एक चीज़ का, जो कि मैं क्या कर दूँ फ्रैक्शन वाला एडिशन कर दूँ। तो जी हाँ वही पढ़िए, जो दिख रहा है वही चीज़ कॉस थीटा ले लें। तो यहाँ से यहाँ वन है तो वन इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है ही तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा प्लस वन। ठीक उसी तरह से इधर क्या दिख रहा है, इधर भी वही दिख रहा है साइन थीटा को एलसीएम लेके, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ वन है तो वन इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब आप थोड़ा सा अगर माइंड लगा ले तो बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। क्या चीज़, इस पूरे को अगर ए मान लूँ ठीक है, और इसको प्लस बी मान लूँ, और यहाँ पे इस पूरे को ए और इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हमारा क्या फायदा होगा, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बात आएगा हमारा काम कहाँ हो जाएगा। तो वही हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा सा बस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ रख लिए प्लस वन, ठीक है इस वाले में, यहाँ आप रहने दीजिए कॉस थीटा। उसी तरह से इधर भी एक अरेंजमेंट किए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ और माइनस वन बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं लग रहा मुझे कि आपको कोई दिक्कत होगा। ओके अब देखिए इस पूरे को क्या मान लो ए, जैसे यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ए प्लस बी, यहाँ पे बी क्या है, बी वन है और ए माइनस बी, तो यहाँ से आप क्या लगा देंगे कि ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा है ए तो कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। ठीक है ओके, आपको लग रहा होगा कि अरे इतना मेरा माथा तो नहीं चलेगा वहाँ पे, मेरा कैसे होगा। ठीक है तो आपको बनाते बनाते होगा, प्रैक्टिस से होगा। मैं भी जब पहली बार बनाया था तो शायद मेरे माइंड में ये नहीं आया होगा, वैसे तो अभी बहुत सारा माइंड में आ रहा है, तो वो आपके प्रैक्टिस से होगा। ठीक है प्रैक्टिस आप कितना करते हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, किस हिसाब से समझ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। कोई टॉपर भी या कुछ भी रहता है ना, उसको अपने आप आइडिया नहीं आ जाता है इस चीज़ का, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। उसमें भी आइडेंटिटी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस का जरूरत होगा ही, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट तो बोला तीन ही फॉर्मूला पे सब हो जाएगा, देखिए अभी भी तीन ही फॉर्मूला पे हो जाएगा, पर आपको उससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी यानी टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या है माइनस वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर वन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन। जी हाँ आपकी माइंड में लग रहा है अरे वन वन तो कट जाएगा, ठीक है जीरो हो जाएगा, जी हाँ एकदम जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या बचा, वन से वन गया ये दोनों तो जीरो बचा, तो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा हो जाएगा, कितना आया टू, ये आपको पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एनसीईआरटी में ये सही हो जाएगा। देखिए कितना मेहनत किया हम, कुछ नहीं जितना सब था सबको साइन कॉस में बदले, दिख रहा था हमको फ्रैक्शनल एडिशन हो सकता है तो फ्रैक्शन के अलावा एडिशन किए, एक फॉर्मूला दिख रहा था अरेंजमेंट के लिए तो वो फॉर्मूला लगाए, बस काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकदम ईजी है, सिक टेन वाला, उसको भी साइन कॉस में बदलिए, उसके नीचे भी बहुत ईजी है तो उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ कुछ वैसे भी आप बहुत कम है एनसीईआरटी में, पर एनसीईआरटी का आप सॉल्व करेंगे खुद कोशिश करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिससे कि बच्चे को डर लगता है, पर सबसे ईजी क्वेश्चन मुझे लगता है इस एक्सरसाइज में यही है। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव का एट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। ठीक है यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है साइन ए प्लस कॉस ए के, साइन ए प्लस कॉस ए के, ठीक है इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चे इसको डर देख के ही लगता है अरे सेवन टेन कॉट ये कहाँ से आ गया, ये बहुत आसान है, आपको क्या करना है सिंपल जो आपको दिख रहा है वो कीजिए। ठीक है आपको ये प्रूफ करना है ना, तो आराम से कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे इस चीज़ को, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, और इसमें साइन कॉस में तोड़ने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है क्योंकि यहाँ टेन कॉट में ही दिया हुआ ना आंसर, तो टेन कॉट में बदल दिया हुआ है तो आराम से समझ लीजिए, अगर नहीं हो तो बाद में इसको भी साइन कॉस में और इधर भी साइन कॉस में बदलेंगे, पर अभी आसानी से हो जाएगा। एक तरीका दिखा देता हूँ मैं देखे करके, जैसे इसका है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसिक स्क्वायर है प्लस टू ए बी यानी टू इंटू साइन ए इंटू कॉसिक है साइन ए इंटू कॉसिक। उसी तरह से हमारा इस पूरे का ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना कॉस ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है प्लस टू इंटू कॉस ए इंटू सेक होगा, यही एलसीएम हो जाएगा ना इसका,
सॉरी LHS हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर है, एक साथ मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। एक दो और, हम लोग को कॉसेक नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए कॉसेक, क्योंकि हमको आरसेस में देखना है टेन और कॉट में है, क्या हम कॉसेक को कॉट में बदल सकते हैं, ऑफकोर्स हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस थीटा के लिए है, किसी के लिए है तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो यहाँ से हमको कॉसेक चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हाँ कॉट स्क्वायर ए आने से कोई हमको दिक्कत नहीं है, इधर भी कॉट स्क्वायर ए है, तो इसके जगह इस कॉसेक स्क्वायर जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब साइन और कॉसेक एक दूसरे का दुश्मन होता है, चलिए मैं इसको दिखाई देता हूँ, टू इंटू साइन ए इंटू कॉसेक, कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं वन बाई साइन ए, ठीक है तो ये साइन साइन कैंसिल कर देगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए मैंने लिख ही दिया होता, सेक स्क्वायर ए इसका भी हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है इसी के जैसे फॉर्मूला है, हाँ तो इसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए के जगह लिख देते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है और यहाँ पे भी अगेन टू इंटू कॉस और सेक एक दूसरे का दुश्मन है, भाई है जो बोली वन बाई कॉस है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, तो पहला चीज़ यहाँ से साइन कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचा देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा वन प्लस, यहाँ पे एक वन है जो कि हम लोग कॉसेक को तोड़ के लाए हैं, तो यहाँ भी एक वन है, पहले नंबर सब जोड़ लीजिए, फिर यहाँ पे एक टू बचा, साइन से साइन तो बच गया तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू, एक यहाँ भी टू है ठीक है हाँ, और एक वहाँ भी वन है तो प्लस वन प्लस टू, टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन आ गया सेवन, बस हो गया प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या बोलते हैं अब देखेंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन है था इस चैप्टर का, ठीक है तीन स्टेप में हो गया, तो ये वो सेवन प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर हो गया RHS के बराबर, ठीक है LHS से प्रूफ्ड, सबसे ईजी था ना। ओके लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ईजी है, उसमें आपको वन प्लस टेन स्क्वायर है देखने से तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, पर कुछ नहीं आपको करना है, आपको नहीं कुछ हो तो साइन कॉस में बदल दीजिएगा, आपको आसानी से सब आ जाएगा, लास्ट में साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर आएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो किसी में तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है या इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि नहीं है यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुधार करना है, जो सुधार करना है तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसको कोशिश करूँगा इंप्लीमेंट करने का। चलिए देखते रहिए, अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।